टॉपिक डालो अब पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है। पॉलीगन लॉ टॉपिक डालो, पॉलीगन लॉ। दिस इज द थर्ड लॉ। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक और वेक्टर रखा हुआ कहीं ऐसे बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ इधर कहीं सी वेक्टर, एक वेक्टर ये रखा हुआ है डी वेक्टर, और एक और वेक्टर ले लेते हैं ये सपोज करो ई वेक्टर। सारे वेक्टर ऐसे रैंडमली अरेंज है। इन सभी वेक्टर का मुझे क्या करना है, इन सभी वेक्टर का मुझे सम करना है। ठीक है, वृद्धि आई क्या? वृद्धि नहीं आई ना। इन सभी वेक्टर का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि सभी वेक्टर को सबसे पहले अरेंज करो। कैसे? इस तरह से अरेंज करो कि एक का हेड दूसरे के टेल पर कंबाइन हो। एक का हेड, हेड जानते हो अनिशा, आप देख लो इधर हेड और टेल क्या होता है। ये जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक की लेंथ को उसको टेल बोलते हैं, और ये जो एरो वाला पार्ट है दैट इज पार्ट, ये एरो वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड। पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेल, और ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, सभी वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन करो कि एक का हेड दूसरे के टेल पर कंबाइन हो। तो देखो एक वेक्टर मैंने ए वेक्टर बना दिया, अब आपको दूसरा वेक्टर रखना है। तो दूसरा वेक्टर किसको रखोगे आप? बी वेक्टर को रखोगे। ये बी वेक्टर आ गया। फिर तीसरा वेक्टर कौन सा? ये सी वेक्टर को मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज मत करना, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे ही बनाया है। आप लोग अपने मन से मत बनाना, मैंने जानबूझ के इसको डायरेक्शन ऐसी ही रखी है। ये आपका सी वेक्टर हो गया। फिर डी वेक्टर को कैसे रखेंगे? डी वेक्टर की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, तो डी वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। फिर आपका ये ई वेक्टर हो गया। ठीक, ये आपके सारे वेक्टर्स आ गए, ए बी सी डी ई, चारों वेक्टर्स, पांचों वेक्टर आ गए। अब क्या बोलता है कि पॉलीगन की इन सबको, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल साइड्स होती है, तीन से ज्यादा जो साइड्स होती है, तीन या तीन से ज्यादा साइड, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो इन सबको पॉलीगन की साइड समझो, और जो लास्ट साइड है इस लास्ट साइड को क्या करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। लेकिन इसका जो ऑर्डर या फिर डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट में होनी चाहिए। अब देखो ऑर्डर मतलब, जैसे ये वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, ये वाला वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, ये वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, ये वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, ये वाला वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, तो अगला वाला वेक्टर भी यहां से चालू यहां पे खत्म होना चाहिए। लेकिन अपोजिट ऑर्डर बोला है, इसका मतलब ये वेक्टर इधर से चालू होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट में होगी। तो ये जो थर्ड वाली साइड है, जो लास्ट वाली साइड है, यही आपका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसको आर वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, सभी वेक्टर का सम ये होगा। आई बात समझ में? सभी वेक्टर का सम ये वाली साइड डिनोट करेगी। उसका प्रूफ देखते हैं। देखो उसका प्रूफ देखो, इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये आपका सी वेक्टर। प्रूफ भी देखो यहीं पे पता चल जाएगा आपको। ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो सिर्फ, बाकी सबको मत देखो, बाकी सबको भूल जाओ, केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो, कुछ याद आ रहा है आपको? ट्रायंगल लॉ याद आ रहा है? ए और बी का रिजल्टेंट क्या ये होगा? ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। इसको मैं आर वन बोल देता हूं। आर वन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई? आर वन वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आर वन को देखो और सी को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, इसको छुपा दो, डी और ई को भी छुपा दो, सिर्फ आर वन को देखो और सी को देखो। तो आर वन और सी वेक्टर का सम क्या होगा? क्या ये वाला वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल? देखो ये वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का सम ये वाला होगा, दैट इज आर टू वेक्टर। आर टू वेक्टर क्या होगा? आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये अगेन वेक्टर ही है। ठीक है, अब आर टू को देखो और डी को देखो,
अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ आर टू प्लस डी क्या ये रिप्रेजेंट करेगी वाली साइड, इसे बोलेंगे हम लोग, यहां लिख देता हूं मैं आर थ्री, आर थ्री इक्वल टू हो जाएगा क्या आर टू वैक्टर प्लस डी वैक्टर। अब आर टू आर थ्री वैक्टर, ये वाला वैक्टर और ये वाला वैक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला वैक्टर, तो ये क्या होगा आपका आर नेट विच इज द सम ऑफ आर थ्री प्लस ई वैक्टर। अब R3 जो है वो R2 प्लस डी है, तो R3 को आप खोल सकते हो R2 प्लस डी में, R2 प्लस डी प्लस ई। अब R2 जो है वो R1 प्लस सी है, तो R2 को आप खोल दो R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। नाउ R1 इक्वल टू क्या है, R1 इक्वल टू क्या है, ठीक R1 इक्वल टू क्या है, R1 इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर प्लस ई वैक्टर, ठीक है। तो यहां से आर वैक्टर इक्वल टू आपका ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हुआ। किसी को कोई डाउट है प्रूफ में, प्लेस ऑल वैक्टर्स, इसका स्टेटमेंट लिख लो, प्लेस ऑल वैक्टर्स सच दैट head of one coincide with the tail of other vectors, ठीक है। सभी वेक्टर को इस तरह से प्लेस करो कि एक का हेड दूसरे के टेल पर coincide करे, and assume all vector, assume all vector a side of polygon, polygon की side समझो, and complete the polygon in opposite order this side, जो ये last वाली side है, this last side resultant vector, ये जो last वाली side होगी यही आपका resultant vector को represent करेगी, ठीक है। this last side represent resultant vector, सभी वेक्टर को इस तरह से रखो कि एक का हेड दूसरे के टेल पे कोइंसाइड हो, इन सबको पॉलीगन की साइड समझो और लास्ट वाली साइड को कंप्लीट करो, देन दिस लास्ट वाली अपोजिट साइड में कंप्लीट करना, तो लास्ट साइड को कंप्लीट करोगे लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो अपोजिट ऑर्डर में जो कंप्लीट करोगे उस साइड को वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। बात क्लियर। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ पे क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर ऐसे ये हो गया ए बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, और एक वेक्टर ये ले लो, ठीक है। इस तरह से मुझे एक क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑप्शन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन कौन सा पॉइंट करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसके, देयर आर मोर देन वन आंसर, ठीक है। यहां पर एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर
क्या एसी वेक्टर के बराबर होगा? दूसरा ऑप्शन है ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू क्या एसी वेक्टर होगा? तीसरा ऑप्शन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर होगा। चौथा ऑप्शन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर सॉरी प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। करो क्वेश्चन करो, ये जो भी आंसर आ रहा है गलत आ रहा है सही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो जो आंसर सही लग रहे हैं उसको बताओ। अब मैं बताता हूं कैसे, चारों ऑप्शन राइट है इसके, फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, सेकंड भी राइट है, फोर्थ थर्ड भी राइट है, फोर्थ भी राइट है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन क्यों राइट है? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ए बी प्लस बी सी ए सी होगा, तो पहला वाला राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला ए डी प्लस डी सी आपका ए सी होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा? ये ए सी होगा, तो बी वाला ऑप्शन भी राइट है। अब देखो ए बी प्लस बी सी ए सी है और ए डी प्लस डी सी भी ए सी है, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली राइट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखना है आपको, फोर्थ ऑप्शन में ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या है हमारा? ए सी वैक्टर। इस ए सी को उठा के पीछे ले आओ, इधर ले आओ, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर, ऐसे लिख सकता हूं। अब किसी वैक्टर जो माइनस है, मान लो ये वैक्टर है ऐसे ए वेक्टर और मुझे एक माइनस ए वेक्टर बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मैं माइनस ए वेक्टर कैसे बना सकता हूं? इस वेक्टर को क्या कर दो? उल्टा कर दो, ठीक है। तो माइनस ए सी को अगर मैं उल्टा कर दू, माइनस ए सी मतलब सी ए माइनस ए सी वेक्टर को मैं प्लस सी ए वेक्टर लिख सकता हूं, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे ये आपका ए बी वेक्टर है इधर मान लो, तो आप इसको क्या बोलोगे? ए बी वेक्टर। और ये क्या आपका बी पी क्यू वेक्टर, ये आपका क्या है? पी क्यू वेक्टर। तो दोनों वेक्टर इक्वल है, तो कैसे लिखोगे आप? ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस पी क्यू वेक्टर। माइनस ए सी वैक्टर जो है इसको प्लस में लिखना है, तो क्या करो? उसको उल्टा कर दो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कि सर ए सी वैक्टर तो इस तरफ है, सी ए किधर होगा? तो सी ए इसके अपोजिट में होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सी ए वैक्टर क्या होगा? इसके अपोजिट में बनेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आपका क्या होगा? जीरो होगा। आई बात समझ में? कोई डाउट है? आपको कभी भी कंप्लीट पॉलीगन दे रखा है, जैसे इसी रिजल्ट से मैं एक चीज निकाल रहा हूं, आपको कभी भी वेक्टर दे रखे हैं, जैसे ये वेक्टर यहां से चालू यहां पे खत्म, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ऐसे और तीसरा वेक्टर आप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम कितना होगा? 180 नहीं, वेक्टर का सम, एंगल का सम नहीं, जीरो। वेक्टर का सम क्या होगा? जीरो। कभी भी आपको क्लोज पॉलीगन दे रखा है और सबके सब क्या है? सेम ऑर्डर में, जैसे यार एक चालू एक दूसरा खत्म हो रहा है, ठीक है, सबके सब सेम ऑर्डर में क्लोज पॉलीगन दे रखा है, तो उनका सम क्या होगा? जीरो होगा। मान लो ऐसे करके स्क्वायर दे रखा है आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, तो इनका सम क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका
जीरो होगा, क्लोज पॉलीगन दे रखा है और सबका ऑर्डर सेम है तो उनका सम क्या होगा, जीरो। फॉर एनी क्लोज पॉलीगन, फॉर एनी क्लोज पॉलीगन, क्लोज होना चाहिए ध्यान रखना, क्लोज पॉलीगन इफ ऑल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, इफ ऑल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर में है, देन सम ऑफ ऑल वेक्टर इज जीरो, सभी वेक्टर का सम क्या होगा, जीरो होगा। आई बात समझ में, सभी वेक्टर का सम जीरो होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मान लो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है, इफ जो थीटा है, थीटा क्या हो, जीरो डिग्री हो, दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना है, जीरो डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो डिग्री आ जाएगा, कॉस थीटा होता है ना, टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कोई फॉर्मूला बन गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो इसको बोलेंगे आर मैक्स। आर मैक्स का मतलब है मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको जो मिल सकता है किसी भी दो वेक्टर से, वो कब मिलेगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। जीरो डिग्री का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ए की भी डायरेक्शन और बी की भी डायरेक्शन सेम हो। अगर थीटा 180 हो जाए तब, सेकंड, अगर थीटा आपका 180 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो बस क्या आ जाएगा, अब आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, याद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मेरा वीडियो देख लेना आप लोग, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें है, तो माइनस टू ए बी, ए तो ये किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज आर मिनिमम, तो ये कितना आएगा, ए माइनस बी, तो मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, आर मिनिमम ए माइनस बी, इसको मॉड में रखेंगे हम लोग, मॉड का मतलब होता है कि हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी, चाहे बी बढ़ाओ चाहे ए बढ़ाओ, अगर अपोजिट में जैसे ए इधर है बी इधर है, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आर मिनिमम जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा।